हेलो एवरीवन, मैं शालिनी पोरवाल आज आप सभी के सामने फिर से एक नई पोयम लेके आई हूँ। एक्चुअली ये पोयम नई नहीं है, पोयम बहुत पुरानी है। बाल कविता कोर्स में आप सभी लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी, सुनी होगी, कद्दू जी की बारात। ये कक्षा 2 के पाठ्यक्रम में शामिल की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे कद्दू जी अपनी बारात लेके आ रहे हैं। कद्दू जी की चली बारात, हुई बताशों की बरसात, बैंगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा। देखिए बैंगन की गाड़ी है लेकिन कद्दू राजा बैठे हुए हैं। सलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा, सलजम और प्याज बाजा बजा रहे हैं। मेथी पालक भिंडी तोरी टिंडा मूली गाजर, मेथी पालक भिंडी तोरी टिंडा मूली गाजर, बने बराती नाच रहे थे आलू मटर टमाटर। तो सारी सब्जियां गई थी, मेथी भी, पालक भी, भिंडी भी, तोरी भी, टिंडा भी, मूली भी, गाजर भी, और बराती बनकर आलू मटर टमाटर भी नाच रहे थे, जो कि हम सबको बहुत पसंद है। कद्दू जी हंसते मुस्काते लौकी दुल्हन लाए। देखिए कद्दू जी की दुल्हन जो है वो लौकी हैं, कद्दू जी ने लौकी जी से शादी कर ली। कटहल और करेले जी ने चाट पकौड़े खाए, तो शादी में बना था चाट और पकौड़ा। प्रातः पता चली यह बात, सपना देखा था यह रात, लेकिन ये तो एक सपना था, ये तो सुबह पता चला कि ये तो शादी नहीं थी, ये तो सपना था जिसमें कद्दू जी बारात लेके लौकी दुल्हन को लाए थे, आलू मटर टमाटर और सारी सब्जियां बाराती बने नाच रहे थे। ये जो है प्यारी सी कविता शांति अग्रवाल जी ने लिखी हुई है, तो आई होप आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।